So, question number one. कुछ लोगों का कहना है कि इसराइल हैज द राइट टू एग्जिस्ट। आपका इस बारे में क्या कहना है? ज्यूज जैसे और लोग हैं दुनिया में, ज्यूज का बिल्कुल राइट है कि उनको जगह हो जहाँ पे वो पीसफुली रह सकें, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जैसे मुसलमानों को हक है, जैसे क्रिश्चियंस का हक है, जैसे बाकी लोगों को हक है। लेकिन जो लोग ये वाली पर्टिकुलर आर्गुमेंट लेते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ इस ख्याल से करते हैं कि वो इसराइल की जो क्रिएशन की स्टोरी है उसको बच्चों को नहीं सुनाते और लोगों को वो नहीं बताते कि इसराइल एक्चुअली बना कैसे था। इसराइल को क्रिएट किया गया था। इसराइल को क्रिएट किसने किया था? तो मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट्स कह देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद अपनी रिसर्च करें। यू आर यंग एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, रीड थिंग्स एंड डोंट टेक इट फ्रॉम मी ओनली, रीड थिंग्स। अब अपना खुद मुताला करें, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। इसने कहा, उसने कहा, फलाने कहा, अल्लाह को हम ये जवाब देंगे कि इसने मुझे कहा था, उसने कहा था। उस दिन तो इबलीस भी कहेगा मैंने सिर्फ कहा था, किया आपने था, ठीक है ना? तो ये बेलफोर एग्रीमेंट था, 1916 में हुआ था। ये क्या था, ये आप देख लें, ठीक है ना? इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने ये तय किया था समहाउ, ये उन्होंने एग्रीमेंट किया था आपस में कि हमने ज्यूस को इकट्ठा करना है पूरी दुनिया से और उनको एक जगह दिलानी है। अच्छा, यहां तक तो चेक, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ओके। आपने इनिशिएटिव लिया, आपके तमाम मसाइल तो हल हो गए ना। आपने आधी दुनिया को कॉलोनाइज किया हुआ था, फ्रांस ने और इंग्लैंड, ब्रिटेन ने आधी आधी दुनिया बांटी हुई थी कॉलोनाइज करके, अच्छी तरह उसके बेनिफिट्स रीप कर रहे थे, तो उससे आप फारिग हो गए। आपको अचानक ख्याल आया कि लेट्स डू सम चैरिटी। ऑलराइट, फेयर इनफ, हो गई बात। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने ये नहीं किया कि आपने इंग्लैंड में कोई जगह चूज की हो, कोई एरिया मार्क किया हो और वहां पे ज्यूस को बसाया हो। फ्रांस ने भी ये नहीं किया कि कोई एरिया निकाला हो कि चलो यार मैं यहाँ पे ये चैरिटेबल एक्ट कैरी आउट करता हूँ। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने ज्यूस को उठा के जेरूसलम, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल रहा है और थर्ड मोस्ट होलीएस्ट मॉस्क है वहां पे हमारी, वहां पे इनको लाके बसा दिया। इनकी कोई स्टेट नहीं थी, वो स्टेट जो इन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस ने तहिया किया कि इनको देनी है, वो उन्होंने दी इस खत्ते में। अब इसमें इनका किसका राइट, किसने उनको ये राइट दिया था कि वो इस खत्ते में उनको बसाएं, ये आज तक सवाल किया जा रहा है उनसे। सो यस, दे ऑफ कोर्स अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, जैसे हम सब हैं, दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, श्योर। हाउएवर, उनकी जो क्रिएशन है इस कंट्री इसराइल की, मसला इसके साथ है। और चलते चलते मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कि नॉट ऑल ज्यूज, इसे मैं बार बार ज्यूज को, ज्यूज आर नॉट द इशू हियर, इज़राइल इज द इशू, द ज़ायनिस्ट्स इज द इशू। ज़ायनिस्ट वो पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसने ये सारी हरकत की है। कई ऐसे ज्यूज हैं जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं, दे आर नॉट ओके विद इज़राइल, दे एक्चुअली प्रोटेस्ट विद अलोंगसाइड मुस्लिम्स, ठीक है ना, इन एंटी इज़राइल प्रोटेस्ट। तो वो खुद भी इस बात को ओन नहीं करते। तो ये मेरे सवाल का जवाब। जी, क्वेश्चन नंबर, जो भी दूसरा सवाल है। दूसरा अच्छा, ये मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल विद हाउ कश्मीर वाज एनेक्स्ड बाय इंडिया। कुछ देर तक हाइप बनी थी इसके बारे में, बट फिर लोग भूल गए उसके बारे में। अब लोग बहुत कम पूछते हैं या बोलते हैं इसके बारे में। फिर जब इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, थोड़ी देर के लिए लोग पैशनेट हुए थे इसके बारे में, तब भूल गए। और ये जो ब्लास्फेमी वाला इंसिडेंट हुआ था इन फ्रांस, ये जो कार्टून्स बने थे, अब ऐसा ऐसा लोग भूल रहे हैं इसके बारे में। अब डू यू थिंक द सिचुएशन विद इसराइल के साथ भी यही होगा कि कुछ देर बाद लोग भूल जाएंगे इसके बारे में? सवाल बहुत अच्छा है आपका, और एग्जैक्टली यही होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट्स इस सिलेक्टिव एमनीजिया को, या जिस इंटरमिटेंट एमनीजिया को इस्तेमाल करती हैं। गवर्नमेंट्स को पता होता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड न्यूज साइकिल। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म, न्यूज साइकिल, देयर इज अ टर्म कॉल्ड न्यूज साइकिल। तो गवर्नमेंट्स वेट कर रही होती हैं मीसनी बन के कि न्यूज साइकिल जब खत्म हो जाएगा तो दिस थिंग विल गो इन द बैकग्राउंड एंड देन अ न्यू न्यूज साइकिल विल स्टार्ट, सो दैट द प्रीवियस न्यूज साइकिल गोज इन द बैकग्राउंड एंड द न्यू न्यूज साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। सो लोगों की अटेंशन उस नई न्यूज पे आएगी,
इन बेसिक साइकोलॉजी गवर्नमेंट्स जानती हैं कि जब एक चीज़ न्यूज़ में फ्लैश करेगी तो उसका एक खबर बनेगी, खबर पे लोग रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो नज़र से ओझल होगी, बहुत कम लोग होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं, इसे फॉलोअप कहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फॉलोअप करते हैं, क्या बना इन इश्यूज़ का, क्या बना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, क्या बना, ठीक है, वो हमारी बेटी हमारी बहन इस सरजमीन से उठा के अमेरिका को दी गई है, व्हाट हैपेंड टू हर, आज वो किस्सा पारीना है, वो कोई कोई बहुत जिन लोगों को याद है वो याद कराते रहते हैं। इस तरह से आपने बात की कि ब्लास्फेमी का मैं शुरू करता हूँ, ब्लास्फेमी के इशू पे जो हुआ वो सॉल्व नहीं हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने फ्रेंच एम्बेसडर को निकालना तो बहुत दूर की बात है, मैंने ये सुना है थ्रू रिलायबल सोर्सेज के इन्होंने एक कोई प्रोटेस्ट का लेटर तक फ्रेंच एम्बेसी में नहीं दिया। इनफैक्ट शीरी मजारी जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में एक दफ़ा प्रेसिडेंट मैक्रोन के बारे में कुछ बात बात की जो कि गैर मुनासिब तय पाई और अनपार्लियामेंट्री उसको कहा गया, एंड शी हैड टू टेक दैट ट्वीट और डिलीट दैट ट्वीट, एंड इन सफारती टर्म्स में शी हैड टू टेक बैक हर स्टांस। ये हाल है कि आप प्रेसिडेंट मैक्रोन के बारे में बात नहीं कर सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जो भी चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन उस पर हुक्मरान कुछ करेंगे भी नहीं। वो बिल्कुल अब सही कह रहे हैं कि ये भी न्यूज़ साइकिल से जैसी बात निकली है तो ये बात भी अब खुटे लाइन लग गई है। बिल्कुल इसी तरह से कश्मीर की बात है, कश्मीर आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता अब बैकग्राउंड में जा रहा है, और अगर हमने हमारी गवर्नमेंट्स ने और हमारी अफवाज ने अगर कुछ ना किया तो आप लोगों के दिमाग में कश्मीर एक ऑल्सो रैन किस्सा बन जाएगा, जैसे और भी चीज़ें थी। बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, आज़ाद हुए थे, ठीक है ना, तो वो अब वो बांग्लादेश है, और मेरा ख्याल आप लोग कभी उसको शायद उस से याद भी नहीं करते होंगे कि जी वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता होता था, ईस्ट पाकिस्तान कहलाता होता था एक ज़माने में, एक ही गवर्नमेंट थी वगैरह वगैरह, तो कश्मीर भी ऐसे ही बन जाएगा। ये आपका इतना कसूर नहीं है, ये जो मीडिया बॉसेस होते हैं और गवर्नमेंट्स होती हैं ये बकायदा ये प्रोग्राम्स चलाती हैं कि लोग सबड्यूड रहें, लोग भूलते रहें, क्योंकि अगर लोगों को याद रहा, अगर आप स्कोर कार्ड याद रखेंगे तो आप इस कमरे में नहीं बैठे रहेंगे, आप तो कहीं बाहर होंगे और आप प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, आप सवाल कर रहे होंगे, और आप यकीन करें कि गवर्नमेंट्स दे लुक हाई एंड माइटी बट दे आर वेरी स्केयर्ड फ्रॉम वन थिंग, अ क्वेश्चन, ए सिंसियर शार्प क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो उनको मिरर दिखाता है, वो क्वेश्चन है जो उनको एक्सपोज करता है। तो आपके पास ये पावर है कि आप सवाल करें, आप सवाल तो कर सकते हैं, सवाल करने में तो, और स्पेशली आप लोगों के पास तो टूल्स हैं सवाल करने के, आप लोगों से सवाल तो कोई नहीं ले सकता, आप सवाल करें, सही सवाल करें, आप सवाल करें कि कश्मीर को हमने क्या किया। अभी शाह महमूद कुरैशी जो आपको नहीं पता, अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर एक बड़े बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उन्होंने एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि जो 370 सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया, रिवोक किया इंडिया ने, और कश्मीर को उन्होंने खा लिया, मैं इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उन शाह साहब फरमाते हैं एक इंटरव्यू में रिसेंटली कि जी ये उनका इंटरनल मैटर है, यानी इस आर्टिकल को रिवोक करके कश्मीर को खाना उनका इंटरनल मैटर है। शाह साहब ने एक स्टेटमेंट में पाकिस्तान की जो पूरा स्टांस था, सो कॉल्ड स्टांस, हमारा कोई खास स्टांस तो रहा नहीं है, लेकिन जो भी हमारा कच्चा पक्का टूटा छूटा हमारा जो स्टांस था कश्मीर पे, उन्होंने एक स्टेटमेंट में फारिग कर दिया। फिर उनको एक आध दिन बाद होश आई कि ये तो कुछ सही नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर अपना स्टांस वापस लिया। एक फॉरेन मिनिस्टर है जिसने फॉरेन पॉलिसी पे एक बयान दे दिया है और अब उसको वापस लेना पड़ रहा है, ये हमारे हुक्मरानों के हालात हैं। लेकिन आपने नहीं भूलना, आपने ये बातें नहीं भूलनी, आपने ब्लास्फेमी नहीं भूलनी। इफ समबडी वर टू इंसल्ट योर फादर और इंसल्ट योर मदर, वुड यू फॉरगेट दैट? वुड यू नीड समबडी टू रिमाइंड यू कि ओ बाय द वे दैट डेट पे तुम्हारे अबू की ना खड़े होकर बाहर बाजार में तुम्हारे अबू को किसी ने गालियां निकाली और फिर उनका एक बहुत बुरे किस्म का तस्वीर खींची है और वो बाजार में लटका दी उसने, ये बात आप कभी भूलोगे या आप भूल सकते हो? या आपकी मदर के बारे में कोई अगर डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करे, यू डोंट नीड रिमाइंडर्स फॉर दैट। सो नेवर फॉरगेट ब्लास्फेमी, नेवर फॉरगेट कश्मीर, नेवर फॉरगेट पैलेस्टाइन, नेवर फॉरगेट योर हिस्ट्री, फॉर दैट यू नीड टू नो योर हिस्ट्री।
है ना, इसलिए ये आप जरूर करें। कमिंग टू द पॉइंट, योर पॉइंट वाज कि हम भूल जाते हैं ये पैटर्न है तो हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि ना भूलें, और उसके लिए ज़रूरी है कि बेटे अगर आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, अगर आप अगर आपको अपने पुरखों की हिस्ट्री याद है, मैं पुरखों के से मुराद आपके ग्रैंडफादर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और उसके बाद से चलने वाला सिलसिला है, इफ़ यू नो योर हिस्ट्री यू विल नेवर फॉरगेट what's happening currently because this will also become history for your children. If we keep forgetting history, तो आज हशर ये हो गया ना कि हम अपनी history भूले हुए हैं। कहाँ जो last खलीफा थे अब्दुल हमीद दोयम, उनको इन्हीं Jews ने, not Jews, जो ये जो हैं Zionists, Dr. Herzl, look it up, Dr. Herzl was the founder of Zionism. He approached Abdul Hamid Doim, Khalifa अब्दुल हमीद द सेकेंड, दिस वॉज द लास्ट कैलिफ, ठीक है, जिसको मुसवा अतातुर्क ने जिनको मुल्क बदर करके खिलाफत को ख़त्म कर दिया था, उनके पास ये ज़ायनिस्ट ने एक थोड़ा सा टाइम मांगा, आपको पता उन्हें टाइम नहीं दिया, हालांकि उसको खिलाफत डूबी हुई थी, उसमें डेट में डूबी हुई थी और बहुत बुरे हालात थे, उसने टाइम मांगा, एंड ज्यूज आर रिच, ओके, उसने टाइम मांगा, तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जो बात करनी है आप जो भी इंटरमीजरी है जो बंदा है बीच का उससे करें, उसके जरिए करें, तो उस बंदे ने इनको कहा, मैसेज दिया कि जी हम आपके सारे डेट्स माफ कर देंगे, आपके डेट्स पे करेंगे, हमें पता है आप फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, हम आपके सारे डेट्स पे करेंगे, आपने सिर्फ ये करना है और जो भी आप सपोर्ट कहेंगे हम करेंगे आपकी सपोर्ट दुनिया पे वगैरह वगैरह, अब सिर्फ एक काम करना, आपने हमें थोड़ी सी जमीन दे देनी है जेरूसलम पैलेस्टाइन। अब जो लोग इकोनॉमी का रोनर होते हैं, जो लोग अपनी रिसोर्सेज की स्केर्सिटी का रोनर होते हैं, उनके लिए ये सवाल है। अब ये मैं एक रूलर की बात कर रहा हूँ और एक रूलर को ही कोट करूँगा, ये रूलर थे उस वक्त के, और आज के जो रूलर्स हैं जो मंकी बिजनेस चल रहा है उनके लिए ये मैसेज है। सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम द सेकेंड इस्तंबुल में थे, लोकेमा कौन थे वो, और एक वीक खिलाफत को, एक ड्विंडलिंग शिप को वो चला रहे थे, और उनको ये एक तरफ से एक राह आती है कि सारे डेट्स माफ करा देते हैं और आपको बकायदा फंड करते हैं, वही पैसे जिसका रोना आज हमारे हुक्मरान पैसों का रोना रोते हैं। उनका जवाब सुनिए, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं कि टेल डॉक्टर हर्ट्सल दैट हिज ऑफर इज रिजेक्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई कांट गिव हिम अ हैंड स्पैन a hand span of space on this land which has the blood of sahaba in it. Yes, tomorrow when the state is gone you can get it for free. ye ek nukta nazar hai, yom ka ek, ye you can call him a fool but history does not call him a fool, I don't call him a fool, he is what we should all be. आज टर्की जो है वो ड्रामे बना रहा है अब्दुल हमीद दोयम पे, जो ड्रामे आप लोग बाजार बड़े मजे से देखते भी हैं और आपको पसंद भी है, अच्छी बात है, गुड, दे आर पिक्चरिंग अ हिस्ट्री ऑफ ऑफ व्हेन वी वर व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी, गुड, एंड वी विल इंशाल्लाह रिटर्न टू दैट पॉइंट।